ये सारा चीज है। दिनेश माथुर जी आ जाइए आप। दिनेश माथुर जी को लाइव में ले रहे हैं। देखिए दिनेश माथुर जी के साथ में क्या घटना घटी है, अभी उन्हीं के मुंह में सुनिएगा आप लोग। दिनेश जी आपका स्वागत है। मेरा कहना है कि मेरा समाज में पुजारी मेरा महतो बनेगा, यह नियम है, ठीक है? तो आप जबरदस्ती क्यों बन रहे हैं? नहीं, देखिए आपको बनना ही नहीं है ना, इसका मतलब है आप हमारे समाज में घुसपैठ कर रहे हैं। दीपक जी, मैं सॉरी दीपक जी, मैं इसलिए इनको मैं जोड़ा हूं, इसलिए जोड़ा हूं कि देखिए आज आप जिसकी बात कर रहे हैं, आपको तनिक से भी लोगों को नहीं लगता है कि आप हिंदू नहीं है। मैं हिंदू शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, या सनातन आप, या वैदिक, जो भी अभी बोलिए, अभी इनका बहुत डिफिनेशन आने वाला है। अभी तो बामन मिश्रा जी ने कह दिया है कि मैं उनका वीडियो देख रहा कि अब सनातन भी मेरे शब्द हैं, अब इसको भी चेंज करेंगे ये लोग। जी, अभी हिंदू हिंदू चल रहा था तो हिंदू मुगलों की गाली है, तो हिंदू को खत्म किया, बोला भैया नहीं अब हम सनातन है। अब यहो बामन मिश्रा ने बोल दिया कि भैया ये तो हमारे बुद्ध का जो है ना लाइन है, अब इसको सुन लो, अब समझिए इसको भी चेंज होगा। देखिए और मैं हिंदू से इसलिए पहले कह रहा ये हूं, लोग देखिए वैदिक था, मैं एक वैदिक से मिनट पहले ये लोग तो ब्राह्मण था। दीपक जी, मेरे साथ फोन पर बात हुई दिनेश माथो से, इन्होंने बात की हमसे और इन्होंने कहा कि दादा जब हम अज्ञान थे हम लोग, तो हम लोगों ने 3 मंदिर बनाया और काफी पूजा पाठ करते थे, 100% जो है कि हिंदूकरण। तो इन लोगों को लग रहा है कि नहीं, आप जो हिंदूकरण, आपके साथ में इतना मेहनत करके पसीना बहा के आपको मैंने, अब देखिए कोई मुस्लिम बनाया, मुस्लिम से अगर चल जाएगा फिर दूसरे धर्म में, तो मुस्लिम को तकलीफ होगा कि नहीं होगा, आप बताइए दीपक जी, तकलीफ होगा कि नहीं होगा कि देखिए, भैया कितना अच्छा था, तो आप उसके साथ क्यों शादी कर लिए, इसके साथ क्यों कर लिए, इसको क्या हो रहा है, क्या बहुत तरह की बात आ जाती है। ये दिनेश मातो जिसे जब ने मैंने फोन में बात की, आप लोग भी सुन रहे हैं, ऑनलाइन सुन रहे हैं, सारे जहान के लोग सुनेंगे, तो हमने बात की तो हमने इनको कहा कि देखिए दीपक जी भी बात करते हैं अपनी कुर्मी व्यवस्था समाज की और जो भी है, सब 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 लोग बात करते हैं, लेकिन आप मुझे बताइए कि हिंदूकरण हुआ कि नहीं आप लोगों, तो कहे भाई हिंदूकरण हुआ क्या, मतलब हम लोग तीन तीन मंदिर बनाए। अब पूरी कहानी मैं नहीं, आप लोग लाइव में जो है आप लोग सुन लीजिए भैया, कि फिर बाद में इन्होंने क्या किया, पहले इन्होंने क्या किया। तो सुनिए मेरा बात हाँ बताइए। दीपक दा जोहार काका जोहार जी, सुन जोहार लीजिए जोहार, मेरा बात। जोहार दादा हाँ साहब, सुनिए इनकी बात, जय सुनिए जय आप। राम, ये देखिए जय जय राम, तकलीफ, देखिए दीपक जी जय आज जय। समझ में आ जाएगी कि तकलीफ क्यों हो रही है, क्योंकि आपको हिंदू कहा जा रहा है, मतलब आप हिंदू कहा जा रहा है आपको, मतलब उसमें मेहनत है कि आपको ऐसे ही मतलब हिंदू नहीं कहा जा रहा है, आपके पीछे बहुत राज है, अभी ये खोल देंगे दिनेश जी सारे राज को। चलिए दिनेश जी स्टार्ट हो जाइए। देखिए, हम लोग जब छोटे थे, हम लोग का गांव में कोई ना मंदिर था, ना कोई काली पूजा था, ना सरस्वती पूजा था, ना लक्ष्मी पूजा था, ठीक है? जैसे जैसे हम लोग पढ़ते गए, स्कूल गए, तो जैसे जैसे 8-9 क्लास में जैसे जैसे आए, तो हम ही लोग में से, अरे वहाँ उखंडा कर रहा है, इतना धूमधाम से कर रहा है, हम लोग काहे नहीं कर सकते हैं? लगा जिधर 10 आदमी ज्यादा रहेगा तो उधर मेजोरिटी होगा, जो खुद से अपने को बना सकता है। तो पहले सरस्वती पूजा में बनाए, उसके बाद आ गया आपका लोग लक्ष्मी पूजा, वो भी बनाए देखा देखी में। उसके बाद अब आ गया हनुमान जी, उसको भी एक मंदिर बना दिए लोगों के धर दबच के पैसा ऐंठ के, ठीक है? तब बना दिए, कुछ दिन चला। इसके बाद देखिए, हम लोग जब बहुत ज्यादा पढ़ने लगे, बाहर घूमने लगे, लोगों से विचार समझने लगे, तो अरे साला ये तो हम लोग का है ही नहीं, हम लोग तो ये तो हम खुद ही बनाए थे, पहले तो नहीं था, पहले तो हम लोग बनाए हैं। ये बोले कि हाँ सदियों से चल रहा है, हमारे अड़ोस पड़ोस में चल रहा है। अड़ोस पड़ोस में चल रहा है कहाँ, शहर में चलता है, गांव में नहीं चलता है।
तो उन लोग को देखा देखी में हम लोग किए हाँ हैं, तो जब ज्यादा पढ़ने लगे हैं, किताब खोलने जी लगे हैं, समझने लगे हैं, लोगों से बात करने लगे हैं, तो ये तो साला हम लोग का है ही नहीं। नहीं तब क्या किया है अच्छा सरस्वती, तो सरस्वती जो सरस्वती और लक्ष्मी का जो वेदी था, सरस्वती को पहले किताब से पूजा किए, मूर्ति से नहीं, जब तोड़े तो उसे 1 साल पहले किताब से पूजा किए, पोथी पूजा, दूसरा साल उसको वेदी ठाई हटा दिए। क्या हुआ, कुछ हुआ? इसके बाद जो हनुमान हाँ है, जब मंदिर बना रहे थे तो लोग का धर दबा के जबरदस्ती पैसा ऐंठ किया, हम लोग बनाए हैं, अच्छा ऐसा नहीं बना। हाँ अब जब पूरा जान चुके हैं, जो हम लोग का आंदोलन छेड़ चुका हाँ है, तो बोले ये सर ये और गड्ढा में गिर गए हैं हम लोग, तब तो उसको भी पूजा पाट छोड़ दी। अच्छा तो कोई कुछ 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 हुआ, आदमी लोग बोलता है अरे ये नहीं करोगे तो पढ़ाई नहीं होगा, फलना नहीं होगा, तो उसका नहीं, तो हम लोग का बाल बच्चा नहीं पढ़ता है, काम नहीं करता है, तो क्या नहीं होता है? जिधर 10 आदमी रहेगा, अच्छा सोच रहेगा, सब कुछ अच्छा होगा, गलत सोच रहेगा तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, तो होता है यानी ना? आप लोगों ने जितने सारे मंदिर बनाए थे अभी क्या मतलब क्या वो मंदिर है कि नहीं है? तो सरस्वती और लक्ष्मी का जो वेदी था उसको तोड़वा दिए। अरे वो जगह रहेगा तब तो ना माथा ठोकेंगे, वो अच्छा जगह थोड़ी हटा दिए हैं। मान लीजिए हम लोग का ग्राम स्थान जो है, ये जो तो उन्मूलन हम लोग चल का रहा है, है तो देखिए भी आप लोग समझ माथा रहे हैं कि ठोकते हैं। देखिए मैं ऐसे लोगों को मंच दे रहा हूं। देखिए मैं मेरे कहने पे ये इन्होंने ऐसा काम नहीं किया भैया, इन्होंने क्या कहा कि हम ना लोग हम जब लोग जब पढ़ते गए जैसे पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए तो हम लोगों को लगा, हाँ हमारे समाज को लगा कि भैया ये तो हमारा नहीं है, और ये तो ये हम बात लोग यहां पे बनाए कह हैं। रहा है, लेकिन ये इन्होंने ये ऑलरेडी कर चुका है और वहां पे जितने भी थे वो सबको हटा दिए। देखिए तो आप बोलिए कि रही ये बात देखिए, नहीं 1 मिनट, लोगों को लगता है कि ग्रामीण टीवी के माध्यम से बात फैल रही है, विचार रोज 5,000 10,000 लोग देख रहे हैं लाइव को, तो भैया मैं बता दूं कि इसका एक जोरदार उन्मूलन चल रहा है, देख ये तो आप इनकी रही बात बात सुन रहे हो, अभी इनके गांव में जाओगे तो भी ठहरने नहीं सकोगे, हम यह बात बता दे रहे हैं आप लोग। रही बात सुनिए, जी। पहली बात कि हमारा मेरा जो सामाजिक स्टेटस है, जो बनावट है मेरा, उसमें मूर्ति पूजा का कोई स्थान नहीं है। हम लोग प्रकृति पूजक है, हम लोग मंदिर हमारे कौन हमारे समाज के कॉन्सेप्ट में नहीं है मंदिर। हम लोग पहाड़ पूजा करने वाला है, नदी नाला पहाड़ पर्वत गाछ पात पशु पक्षी गुल्म लता नदी नाला, ऐसा हम लोग ये सब हम पूजा करने वाला, हम लोग मंदिर का कॉन्सेप्ट नहीं है। हम लोग नेचर नेचर हम को लेकर लोग चलने नेचर वाला और है प्रकृति वाले। का हम अच्छा लोग पुजारी है, हम लोगों को मंदिर मस्जिद का कोई इसके अलावा जरूरत हम नहीं लोग है। किसी को नहीं जानते। आज जितना मंदिर बना है गांव में ना, हम नहीं लोग के हौसो आवास में बना है जी, हम लोग के हौसो आवास में बना है। तो बोल नहीं तो 1932 का ना रहे हैं उन्नीस सौ तो बत्तीस का नक्शा निकालिए और पर्चा निकालिए, सब कुछ कहीं मंदिर का जिक्र नहीं है। हम लोग में थान होता है, थान जी। थान हाँ ग्राम थान होता ये है, देखिए पीर थान देखिए ये होता है, थान होता है, अजय भारती लिख कार्यक्रम रहे हैं होता कि जतेक कुर्मिक मुख में मंदिर है सारा टूटेगा। आप बोलिए भैया कि हम ही करवा दे रहे हैं। अरे है। भैया ये नहीं चौपाल जी लाइव है, इस तरह के लोगों को मंच नहीं मिलता है, इस तरह के लोग अपनी बात नहीं कर सकते हैं, इस तरह के लोग विचार जी विमर्श नहीं कर सकते हैं, तो इसमें कुछ पढ़े लिखे लोग आते हैं, हम उनको मंच देते हैं ताकि एक दूसरे को समझे। इसलिए अब कहिएगा कि भैया इनके महत्व कुर्मी समाज में जो उन्मूलन चल रहा है तो वो ग्रामीण टीवी चला रहा है, ऐसी बात नहीं है, समाज के लोग एक्टिव हैं कि हमें जो हमारा है ये देश तो हमें कि हम कहाँ है, ये लोग जब पढ़ लिए ना तो अपने आप को समझने लगे, अपने आप को अनभक्त नहीं समझ रहे हैं, ये अपना अधिकार सोच रहे हैं। देखिए एक भाई साहब यहाँ पर मैसेज, सॉरी थोड़ा मैसेज भी ले लीजिए भैया। हाँ कुछ बोलना चाह रहे थे प्रकाश जी, एक भाई साहब का मैसेज पढ़ मैसेज है लीजिए, यहाँ पे, मैसेज यहाँ पे ले लिख लीजिए, रहा है। फिर बोलूंगा।
अरे भाई, अयोध्या वाला वीडियो में आपने देखा ही होगा कि सैकड़ों मुस्लिम भाई श्री राम में दर्शन कर प्रणाम किया, क्या कहेंगे उसके बारे में? मैं